तो यार ये कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला, और ये वीडियो टोटली मैं बताऊंगा अपने चैनल के अपडेट्स के बारे में, यानी मैं चैनल में और अभी से क्या, यानी कौन से टाइप के वीडियोस या फिर क्या कुछ मैं अपलोड करूंगा। तो मैं बता दूं कि मेरे को जो एक वीडियो थी मेरी पबजी के ऊपर, यानी पबजी के वेपन्स के ऊपर, और वो पता नहीं इतना ज़्यादा व्यूज़ कैसे कमा ली, उसमें व्यूज़ डिजर्व नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रस्ट तरीके से बनी हुई थी, यानी मैंने बहुत जल्दी बनाया था, और साथ ही में वो इतना ज़्यादा रिफाइंड भी नहीं है कि उसमें 3 मिलियन व्यूज़ आए। पर अपनी इंडियन ऑडियंस ऐसी ही है कि पबजी दिख जाए, ओह पबजी क्लिक। तो भाई इसके वजह से मेरे चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर भी हो गए और अराउंड 3 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हो गए। और 20,000 सब्सक्राइबर होने की वजह से अभी जो मेरे वीडियोस है, यानी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, वो अप टू द मार्क नहीं है 20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और साथ ही में मेरे जो इतने सब्सक्राइबर हैं वो एक वीडियोस के थ्रू आए, ना कि मेरा जो मतलब नॉर्मल वीडियो देते 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 नॉर्मली गेन हुए। उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टेंट व्यूज़ बहुत रेयर हो जाता है पाना, यानी कॉन्स्टेंट व्यूज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव है मेरे हर एक वीडियो में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह से मेरे को जो लगता है, मेरे को अपना जो क्राफ्ट है यानी वीडियोस बनाना, तो उसको ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। और उसकी वजह से थोड़े, और मैं इस चैनल में थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करना चालू कर दूंगा, जैसे कि अलग अलग टाइप के वीडियोस, और मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा अच्छा करती है, क्योंकि मेरे को अभी भी ठीक से नहीं पता कि कौन से वीडियोज़ लोगों को चाहिए या फिर कौन से वीडियोज़ मेरी ऑडियंस देखना चाहती है। और मेरे जो गेमिंग वीडियोज़ है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे, साथ ही में मेरे को उसमें बनाने में, यानी गेमिंग वीडियोज़ बनाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर यार मैंने YouTube क्यों चालू किया, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें पसंद थी उन्हीं के ऊपर वीडियोज़ बनाना था। तो अगर मेरे को जब गेमिंग पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों वीडियोस बनाऊं गेमिंग पे। तो इसीलिए मैं दूसरी चीजें अभी ट्राई करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर लोगों को पसंद भी आता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और उसके ऊपर मैं कंटिन्यू कंटेंट देता रहूंगा। और यार ये जो मेरे को सडन, यानी सडन 1,500 या 1,200 सब्सक्राइबर से अचानक से 20,000 सब्सक्राइबर मिल गए, उसकी वजह से मेरा जो क्राफ्ट है यानी वीडियोस बनाने का एज यूजुअल, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिफाइंड नहीं हो पाया, और मैं 20,000 सब्सक्राइबर को वो लोग ज़्यादा जो डिजर्व करते हैं उन लोगों को मैं नहीं दे पा रहा। तो मेरे को एमीवे जैसा चूतिया नहीं बनना, जो कि अचानक से फेमस हो गया और ऐसे घटिया गाने या फिर जो भी टट्टी बना रहा है, क्योंकि एमीवे टट्टी है, सबको पता है, तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, उसके लिरिक्स अच्छे नहीं होते और रैपर के नाम पर वो धब्बा है, ठीक है, तो एमीवे का रोस्ट भी होगा थोड़ा बहुत। तो भाई मेरे को एमीवे जैसा नहीं बनना कि सडन सक्सेस की वजह से टोटली जो क्वालिटी है वो ड्रॉप हो जाए, ऐसा नहीं होना। तो इसके लिए मैं अभी से थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स, यानी दूसरे टाइप के वीडियोस या फिर जो मुझे पसंद आते हैं या फिर जो आइडियाज अलग अलग आते हैं वैसे वीडियोस मैं बनाना चालू करूंगा, और देखते हैं उसकी वजह से ऑडियंस रिएक्शन या फिर ऑडियंस फीडबैक कैसा आता है। तो बस इतना ही था ये अपडेट वीडियो, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इसमें व्यूज़ तो आएंगे नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट व्यूज़ उतना ज़्यादा आ नहीं रहे मेरे चैनल पे। तो भाई फ्यूचर में क्या होता है देखा जाएगा। तो अभी के लिए यार पीस आउट।